हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर। और कैलेंडर का आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में महीने में या तो 31 दिन होते हैं या 30 या 29 या 28 दिन की फरवरी होती है। साल के 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। महीने में और साल में जो दिन होते हैं उनको मैंने बोर्ड पर लिखा है। अगर इनमें 7 का भाग लगाया जाए तो कितना कितना शेषफल बचेगा वो आपको देखना है। 28 में 7 का भाग लगाएं, शेषफल 0। 29 के लिए 1, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3, 365 छोटा रूप 1 होता है, 366 7 का भाग लगाने पर छोटा रूप 2 होगा। 7 का भाग लगाने पर जो शेषफल बचा है उसको मैंने बोर्ड पे लिखा है। आज हम इसका शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल इस तरह से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, लिख के देगा 7 फरवरी सन 2001 का सोमवार मंडे, तो आपसे पूछेगा 9 जुलाई सन 2001 कौन सा बार। एक डेट का बार दिया होगा और आपसे दूसरी डेट का बार पूछा जाएगा। जब एक डेट आती थी तो पार्ट फर्स्ट था, और आज डेट कितनी है, 2, जिनमें से एक डेट का बार तो लिखा है और दूसरी डेट का बार आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं। हमें ये देखना होता है कि दोनों के बीच में दिन कितने, ये देखना पड़ता है। तो दोनों के बीच में देखिए, या तो फरवरी का महीना है या जुलाई का महीना है, बहुत सारे दिन इनके बीच में हैं। सबसे पहला महीना जो भी लिखा है उसे स्टार्टिंग में देखना होता है। सबसे पहला महीना लिखा है फरवरी, सबसे पहले आप फरवरी को देखेंगे। पर फरवरी में नाटक होते हैं। क्या नाटक होते हैं? साधारण वर्ष 28 दिन की फरवरी होती है, और लीप वर्ष में आप जानते हैं 29 दिन की फरवरी होती है। और लीप वर्ष निकालने के लिए लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाना पड़ता है। अगर पूरी बार जाता है तो लीप वर्ष होती है, और लीप वर्ष की 29 दिन की फरवरी होती है, और 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए तो साधारण वर्ष होती है, और साधारण वर्ष की 28 दिन की फरवरी होती है। यहाँ 2001 साधारण वर्ष है, 4 का भाग नहीं जा रहा है, और साधारण वर्ष का मतलब फरवरी के जो दिन हैं वो 28 दिन हैं, पर फरवरी में जो तारीख लिखी हुई है वो 7 तारीख लिखी हुई है। हमें ये देखना है कि इस फरवरी के महीने को ख़त्म करने के लिए कितने दिन और चाहिए। तो 28 की फरवरी है, 28 में से अगर आप 7 घटाते हो तो कितने दिन और चाहिए ख़त्म करने के लिए, 21 दिन चाहिए। तो पहले महीने में ये देखना पड़ता है इस महीने को ख़त्म करने के लिए कितने दिन और चाहिए। तो यहाँ मुझे 21 दिन और चाहिए फरवरी के महीने को ख़त्म करने के लिए। फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च होता है 31 दिन का। बचपन में ऐसे किया होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उठे हुए दिन 31 के होते हैं और दबे हुए दिन 30 के होते हैं, और जुलाई अगस्त दोनों उभरे हुए होते हैं 31 दिन। किस महीने में कितने दिन होते हैं ये सभी को पता है। तो मार्च का महीना 31 दिन का होता है, पर मार्च के नीचे 31 लिखोगे, अप्रैल के नीचे 30 लिखोगे, सबका टोटल करोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। यहाँ इनका छोटा रूप हम लेके चलते हैं। 31 की जब भी बात करें हम छोटा रूप 3 लिख सकते हैं, 30 की जब भी बात करें छोटा रूप 2 लिख सकते हैं, 29 दिन की जब भी बात करेंगे तो 1, और 28 दिन की बात करेंगे तो 0। यहाँ मार्च 31 दिन का होता है, और 31 के लिए हम छोटा रूप ले सकते हैं 3। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के दिन होते हैं 30, और 30 का वहाँ छोटा रूप लिखा है मैंने 2, तो यहाँ अप्रैल के लिए 2 लिख सकते हैं। अप्रैल के बाद आएगा मई 31 का, जून 30 का, और जुलाई की डेट दे रखी है, तो याद रखना है लास्ट के मंथ में जो भी डेट लिखी है वो आपको पूरी लिखनी होती है। और जुलाई के लिए कितना लिखा है, 9। सबको जोड़ के भाग कितने का लगाना होता है, हमेशा 7 का भाग लगाना होता है। ठीक है, सबका टोटल कर लेते हैं, 21 और 9 30, 30 और 10 40, सब में भाग लगाना है 7 का, 5 बार जाएगा, और रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा भाई, 5। तो यहां पर 7 का भाग लगाने पर अपना शेषफल आया है 5। जो भी बार लिखा है और जितना भी शेषफल आ रहा है उस बार को छोड़ के उतने ही दिन आपको आगे गिनने, यानी सोमवार को छोड़ के आपको 5 दिन आगे गिनने। तो सोमवार को छोड़ के जब 5 दिन आगे गिनते हैं तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो अपना उत्तर क्या आएगा, शनिवार। सोमवार को छोड़ के 5 दिन आगे कौन सा वार होगा, शनिवार, तो अपना आंसर आएगा शनिवार।
यहां पर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, 5 जनवरी 1993 का शनिवार है, तो आपसे पूछा है 26 जनवरी 1993 का कौन सा बार है। देखिए यहां दिनांक अलग है, महीने एक जैसे और साल भी एक जैसे, ठीक है। मैंने बताया था अपना काम एग्जाम में यही रहेगा, हमें ये देखना है कि दोनों के बीच में दिन कितने हैं। तो 26 में से 5 घटाइए, 5 तारीख ऊपर है 26 नीचे, 26 में से 5 घटा दीजिए, इस महीने में कितने दिन दोनों के बीच में, 21 दिन। तो भाग लगाना होता है हमेशा 7 का, ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग लगाना जरूरी होता है, और 7 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा और शेषफल जो आएगा 0, और जब भी शेषफल 0 आ जाए तो जो बार लिखा है वही बार आंसर माना जाएगा। अगर 1 आता तो 1 दिन आगे बढ़ते, 2 आता शेषफल तो 2 दिन आगे बढ़ते, पर 0 शेषफल जब भी आए तो जो भी बार लिखा होता है वही बार आंसर माना जाता है। तो अपना आंसर क्या आएगा भाई, शनिवार। अब मैंने ये थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल लिखा है, अंतर क्या है, आगे आने वाली डेट का बार तो दे रखा है और पहले की डेट का बार हमसे पूछा गया है, अंतर ये है इसमें। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जनवरी का महीना 88 जनवरी 31 की होती है, 29 दिन लिखें, 31 की जनवरी होती है, तो इस महीने को ख़त्म करने के लिए 31 में से 29 घटा दीजिए, कितने दिन चाहिए होंगे, 2 दिन चाहिए होंगे। जनवरी के बाद आती है फरवरी, फरवरी में नाटक होते हैं, बताया था मैंने साधारण वर्ष और लीप वर्ष, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है तो लीप वर्ष होती है, भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, और 29 दिन की होती है फरवरी, और 29 के लिए छोटा रूप क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। फरवरी के आता है बाद में मार्च, 31 का होता है, और 31 का छोटा रूप क्या ले सकते हैं अपन, 3 ले सकते हैं। इसके बाद वैसे ही अप्रैल, 30 का 2, मई 3, 31, जून 30, और जुलाई की लिखिए भाई 2। लास्ट के मंथ में जो भी डेट लिखी है वो आपको पूरी लेनी होती है, जुलाई के लिए 2 लिखा है। सबको जोड़ के भाग कितने का लगाना होता है हमें, 7 का, 7 से या तो डायरेक्ट काट दो या टोटल करके 7 का भाग लगा दो, बात बराबर होती है, तो डायरेक्ट ही 7 से काट देते हैं। देखिए कैसे 4 और 3 7, ये खत्म हुआ है। इसके बाद में 4 और 3 7, ये खत्म हुआ है। शेषफल कितना बचेगा, 1। जब पहले की डेट का वार देता था, आगे आने वाली डेट का वार पूछता था, तो हम हमेशा आगे बढ़ते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आगे आने वाली डेट का वार दे रखा है, पहले की डेट का वार पूछा है, तो जितना भी शेषफल आए और जो भी वार दे रखा है उतने दिन आपको जाने पीछे, यानी मंगलवार से 1 दिन पहले, तो मंगलवार से 1 दिन पहले अपना उत्तर होगा सोमवार। और अब मैंने फोर्थ नंबर का जो एग्जाम्पल लिखा है, 10 मार्च 2001 का शनिवार है, तो 10 मार्च 2010 का कौन सा वार है, तो अब अंतर है साल का, ठीक है। साल का जब भी अंतर आए तो हमें यों देखना होता है कि सबसे पहले दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है, अंतर हमेशा ज़्यादा में से कम घटा के निकालते हैं। 2010 में से 2001 घटाओगे तो 9 साल का अंतर इनके बीच में है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9 साल। साल में भी नाटक होते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। इसके लिए हमेशा भाग लगाना होता है 4 का, क्योंकि लीप वर्ष कितने साल में आती है, 4 साल में आती है, इसके लिए आपको हमेशा 4 का भाग लगाना होता है। जितनी बार भी भाग चला जाए उसमें उतनी ही लीप होती है, तो यहाँ भाग जा रहा है 2 बार, तो इन 9 साल में 2 लीप वर्ष हैं, 2 तो हैं लीप वर्ष, नाम बता सकते हैं 2004 और 2008, और बची हुई 7 क्या होंगी भाई, साधारण वर्ष होंगी, ठीक है। तो 9 साल में 2 लीप हैं और 7 साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और छोटा रूप होता है 1, यानी एक साधारण वर्ष का छोटा रूप 1 होता है, तो अपने पास 7 साधारण वर्ष हैं, तो 7 का छोटा रूप क्या ले सकते हैं अपन, 7 ले सकते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, छोटा रूप होता है 2, एक लीप वर्ष का छोटा रूप 2 है, तो 2 में कितने होंगे, 4, तो इनका टोटल कर दीजिए 7 और 4 11, भाग फिक्स है 7 का ही लगेगा, कितना शेषफल आ रहा है 4, जो भी शेषफल आए जो भी वार दिया है उतने दिन आगे गिनने, यानी शनिवार से 4 दिन आगे, शनिवार से 4 दिन आगे, रवि सोम
मंगल, बुध, तो अपना आंसर आएगा यहां पर कौन सा बार? बुधवार। अभी तक एग्जाम्पल जो कराए थे उनमें साल का अंतर था, पर डेट एक जैसी थी। पहले 10 मार्च 10 मार्च, यानी पहले था सिर्फ साल का अंतर, और अब डेट मैंने अलग कर दिए। अब साल का अंतर तो है ही, साथ साथ की साथ इनमें महीनों का भी अंतर है, डेट अलग अलग कर दिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो आपको यही देखने पड़ेंगे कि दोनों के बीच में साल कितनी है। तो यहाँ पर मैं साल की बात करूँ तो दोनों के बीच में 10 साल है, और 10 साल में लीप वर्ष देखने के लिए 4 का भाग लगाना पड़ता है। तो 10 में 4 का भाग लगाओगे दो बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीप वर्ष आएंगी 10 साल में वो दो आएंगी, तो दो तो क्या है भाई, लीप वर्ष, और 8 क्या होंगी इसमें, साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप एक होता है, तो 8 में आप लोगे 8। एक लीप का छोटा रूप दो होता है, तो दो में कितने लेंगे, 4। तो 8 और 4 साल के लिए जो टोटल आया है वो कितना आया है, यहां पर 12 आया है। तो जब भी साल और महीनों का अंतर आए तो साल का जो भी टोटल आए उसे साल के नीचे लिखना होता है। तो साल का जो टोटल आया अपने पास में वो कितना आया है, 12। इसके बाद जनवरी, महीनों का अंतर जिस तरीके से समझाया था उसी तरीके से महीनों का अंतर लेना है। जनवरी का महीना खत्म करने में 2 दिन चाहिए। फरवरी 2001 को देखें या 2011 को देखें, दोनों ही साधारण वर्ष हैं, हालांकि हमेशा अगली वाली सन वर्ष देखी जाती है जो लिखी हुई है। 2011 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है, और 28 का छोटा रूप क्या ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं। तो जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी के बाद आएगा मार्च। मार्च में तारीख क्या दे रखी है, 2 तारीख दे रखी है। सबको जोड़ के भाग लगाना होता है 7 का, तो मैं पहले 7 से काट देता हूँ। 12 और 2 14, ये खत्म है 7 से, और शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। जो भी वार दिया है जितना शेषफल बचे उस वार से उतने ही दिन आगे गिनने, तो रविवार से 2 दिन आगे गिनने, रवि के बाद सोम और सोम के बाद मंगल। तो अपना आंसर आएगा यहाँ पर कौन सा बार, मंगल बार। एक ऐसा एग्जाम्पल भी एग्जाम में आता है, देखिए क्या लिखा है। प्रवीण का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ, तो हफ्ते के किस दिन इसकी आयु 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन की होगी, ये पूछा गया है, ठीक है भाई। यानी प्रवीण 20 मार्च, देखिए यहां लिख देता हूं, प्रवीण 20 मार्च 1992 रविवार को पैदा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है जब प्रवीण 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन का हो जाएगा तो कौन सा वार होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। वापस 20 मार्च 1992 को कौन पैदा हुआ है भाई, प्रवीण, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जब प्रवीण 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन का हो जाए तो कौन सा वार होगा। इतना बड़ा प्रवीण को करने के लिए आपको क्या करना है, दिन से दिन जोड़ने पड़ेंगे, है ना, महीने से महीने, और देखो साल से साल, ठीक है। दिन से दिन, महीने से महीने, साल से साल, जो नई डेट आएगी पुरानी डेट को देखते हुए फिर नई डेट का बार हमें निकालना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 20 में 16 जोड़ोगे तो 36, ठीक है। मार्च, जनवरी 1 नंबर पे, फरवरी 2 पे, और मार्च आता है 3रे नंबर पे, तो मार्च का महीना होता है 3रा, और ये 2 पहले से लिखे, तो 3 और 2 5, 5 में महीने का नाम होता है मई, कौन सा होता है भाई, मई, तो यहां लिख दिया मैंने मई। इसके बाद 10 साल जोड़ोगे 1992 में तो सन आएगी 2002, यहां सन 2002। सारी बातें समझ में आ गई मेरे, किसको छोड़कर, 36 मई को छोड़कर, ये नहीं आई आज तक, क्योंकि मई में तो दिन होते हैं 31। अब 31 दिन के अलावा आपको यूं देखना है कि कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, कितने दिन ज्यादा हैं, तो 31 घटा दो 36 में से, कितने दिन ज्यादा हैं, 5। और जो दिन ज्यादा हैं वो कौन से महीने में चढ़ेंगे, मई के बाद क्या आता है, जून आता है, कौन से महीने में चढ़ेंगे, जून पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 जून सन 2002 का बार, यानी आपको निकालना है इसको देखते हुए इस डेट का बार आपको निकालना है। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको ये देखने पड़ेंगे दोनों के बीच में साल कितने हैं, तो साल होंगे भाई 10, ठीक है। और 10 में 4 का भाग लगाएं तो 2 बार जाएगा, तो 2 तो इसके अंदर आएंगे भैया लीप वर्ष, ठीक है। और बची हुई 8 क्या होंगी भाई, साधारण वर्ष।
लीप बर्स के नाम बता सकते हैं कौन कौन से? एक तो देखिए भाई 92 को लीप में लेना है या नहीं लेना है वो समझो मेरी बात। एक तो यहाँ लिखा है मार्च, हमेशा लीप बर्स का पता फरवरी करती है। अगर यहाँ फरवरी होता तो 92 को लीप में लेते, पर फरवरी नहीं है, फरवरी नहीं है मतलब लीप गया, और लीप गया तो यहाँ पर 92 लीप में नहीं आएगा, यानी मार्च लिखा है। ठीक है, तो पहला लीप बर्स आएगा 96 और दूसरा लीप वर्ष आएगा सन 2000। ठीक है, तो यहां दो लीप वर्ष हैं और 8 साधारण वर्ष हैं। एक साधारण वर्ष का छोटा रूप एक बताया था, तो 8 में कितने आएंगे भाई? 8। और एक लीप वर्ष का छोटा रूप 2 बताया था, तो 2 में कितने आएंगे? 4। तो 8 और 4 टोटल कितने आएंगे? 12। तो यहां पर आ गए टोटल 12। मैंने बताया था साल का जो भी टोटल आता है ना उसको हमेशा साल के नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब महीनों का अंतर कंटिन्यू करना है स्टार्ट से। मार्च, मार्च का महीना 31 दिन का होता है, 20 तारीख के बाद 11 दिन और चाहिए इस मार्च को खत्म करने के लिए, तो यहाँ मार्च में 11। अप्रैल 30 छोटा रूप, और 30 का छोटा रूप क्या ले सकते हैं हम? 2। अप्रैल के बाद देखिए भाई मई, जून, जून की पर कितनी लेनी है आपको? 2, 5। तो जून के लिए कितना ले लिया मैंने? 5। ये अप्रैल, ये मई, और ये जून की तारीख दे रखी है 5। सबको जोड़ के भाग कितने का लगाना है? 7 का। 7 से काट दीजिए इनको, 12 और 2, 14, 11 और 3, 14। शेषफल कितना आएगा? 5। जो भी बार दिया है उससे कितने दिन आगे करने? 5 दिन। रवि के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तो सही उत्तर क्या आएगा? शुक्रवार। तो इतना बड़ा प्रवीण 5 जून सन 2002 को होगा, और कौन सा बार होगा उस दिन? शुक्रवार होगा। देखिए दोस्तों, कैलेंडर की शुरुआत या साल की शुरुआत होती है हमेशा 1 जनवरी से, और कैलेंडर या साल खत्म होता है हमेशा 31 दिसंबर पे। मैंने यहां लिखा है 1993 और यहां लिखा है सोमवार, और यहां भी लिखा है सोमवार। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान देना सभी, साधारण वर्ष कोई सा भी हो, ठीक है, पहली तारीख को जो वार होता है वही वार आखिरी तारीख को होता ही होता है, यानी साधारण वर्ष का कैलेंडर जिस वार से शुरू होता है हमेशा उसी वार पे आके खत्म होता है। ये बात आपको आज के बाद हमेशा याद रहनी चाहिए। और लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 29 दिन की फरवरी बढ़ जाती है, जानते हैं आप। तो लीप वर्ष का कैलेंडर देखिए भाई, यहां लिख रहा हूं मैं 1984, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर जिस वार से शुरू होता है हमेशा उसी वार पे आके खत्म नहीं होता, उससे एक दिन आगे खत्म होता है, मंगलवार। यानी 1 जनवरी 1984 का सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1984 कौन से वार पे होगा? मंगलवार पे। यानी आपको ध्यान ये रखना है, साधारण वर्ष में पहली और आखिरी तारीख को समान वार होते हैं, जबकि लीप वर्ष में पहली और आखिरी तारीख को देखा जाए तो एक दिन आगे बढ़ता है, क्योंकि 29 फरवरी लीप वर्ष में बढ़ जाती है। देखिए भाई, यहां पर 1 जनवरी 1993 का सोमवार है, और यहां मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 1994, तो यहां पर 31 दिसंबर 1993 का सोमवार था, और यहां 1 जनवरी 1994 का वार पता करना है तो एक दिन आगे बढ़ेगा, तो यहां कौन सा वार आएगा सोम के बाद? मंगलवार आएगा। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान देना सभी, यहां देखो दिनांक एक जैसी है, 1 जनवरी 1 जनवरी, यहां 93 है, यहां 94 है, यानी साधारण वर्ष है और पूरे एक साल का अंतर है। यानी दिनांक एक जैसी हो, साधारण वर्ष हो, पूरे एक साल का अंतर हो, तो उनके बीच में फिक्स होता है हमेशा एक दिन का अंतर उनके बीच में आता है। और यहां देखिए 1 जनवरी 1984 का सोमवार है, और यहां मैं लिख देता हूं 1 जनवरी 1985, तो कौन सा बार आएगा? बुधवार। अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान देना सभी, दिनांक अगर एक जैसी दे रखी है और लीप वर्ष है, 84 लीप है, पूरे एक साल का अंतर है, दिनांक एक जैसी हो, लीप वर्ष हो, पूरे एक साल का अंतर हो, तो उनके बीच में फिक्स होता है हमेशा 2 दिन का अंतर आता है। तो साधारण वर्ष में सेम डेट के लिए एक दिन का अंतर, और लीप वर्ष में एक जैसी दिनांक के लिए हमेशा 2 दिन का अंतर आता है। यहां लिखा है मैंने 26 जनवरी 1988 का सोमवार है,
तो 26 जनवरी 1989 का कौन सा वार होगा। दूसरा प्रश्न है 15 अगस्त 1988 का सोमवार है, तो 15 अगस्त 1989 का कौन सा वार होगा। अब देखिए इनमें एक तो कभी भी लीप वर्ष का फैसला आप साल को देख के नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको लीप वर्ष बताएगी फरवरी कि लीप वर्ष में है या नहीं है, तो साल को देख के कभी भी लीप वर्ष का फैसला मत करना। फरवरी का महीना हमें बताएगा लीप वर्ष में है या नहीं है। तो सॉल्व कैसे करना है वो आप देखिए, यहाँ दिनांक तो एक जैसी है, ठीक है भाई, और 88 89 पूरे एक साल का अंतर है, और इस एक साल में फरवरी का महीना तो बीच में होगा क्योंकि एक साल में फरवरी तो बढ़ती बढ़ती है, तो फरवरी का महीना बीच में होगा। पर फरवरी का महीना जो होगा वो 88 का होगा या 89 का होगा, 88 का होगा, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगी और वो कब की आएगी, 88 की आएगी, और 88 होती है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में मैंने समझाया था आपको हमेशा कितने दिन का अंतर लेना है, आपको 2 दिन का अंतर लेना है। तो आंसर क्या देके आएंगे आप, बुधवार। यहां भी देखिए 15 अगस्त 15 अगस्त, 88 89, यहां भी पूरे एक साल का अंतर है, और इस एक साल में फरवरी का महीना बीच में होगा। फरवरी का महीना जो बीच में होगा वो 88 का होगा या 89 का होगा, 89 का होगा, क्योंकि ये अगस्त लिखा है, फरवरी गई 88 की, और फरवरी गई तो लीप भी गया, यहाँ पर फरवरी होगी 89 की, और ये है साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में मैंने बताया था हमेशा एक दिन का अंतर आपको लेना है। तो आप आंसर क्या देके आएंगे भाई, मंगलवार। राम अपना जन्म, राम का जन्म 4 मार्च 1965 रविवार को हुआ, तो बताइए वह अपना अगला जन्मदिन रविवार को ही किस सन में मनाएगा। मतलब 4 मार्च 1965 को पैदा हुआ है राम, रविवार का दिन था, तो वापस से यही तारीख हो वो सन कौन सा होगा जब वापस से इसी तारीख को क्या आए, रविवार आए, ये हमको देखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी बेसिक वही काम आएगा जो मैंने आपको बताया था, साधारण वर्ष में तो एक दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर। सॉल्व कैसे करना है देखो, तो यहाँ राम का जन्म हुआ था 4 मार्च 1965, और बार ये बता रहा है आपको रविवार, ठीक है। तो सबसे पहले 4 मार्च 1965 के बाद में पहला जन्मदिन बनेगा इसका 4 मार्च 1966 साधारण वर्ष है, और एक जैसी दिनांक के लिए मैंने बताया था एक दिन का अंतर हमेशा आता है, तो यहाँ इनके बीच में एक दिन का अंतर, उसके बाद 67 एक 68 लीप होती है, और लीप वर्ष में हमेशा 2 दिन का अंतर आता है एक जैसी दिनांक के लिए, 69 70 और 71, टोटल आ गया 7। जहाँ भी टोटल 7 आ जाए वहाँ आपको रुकना है, क्योंकि 7 दिन बाद उसी डेट में वही बार फिर से आता है। इसका मतलब 4 मार्च 1971 को वापस से कौन सा बार पड़ेगा भाई, रविवार। तो राम अपना अगला जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा 4 मार्च 1971, जब वापस से पड़ेगा रविवार। मोनिका का जन्म 4 मार्च 1966 सोमवार को हुआ, तो वह अपना अगला जन्मदिन सोमवार को ही किस सन में मनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका, 4 मार्च 1966 को था सोमवार, तरीका वही है, साधारण वर्ष में एक दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर। तो देखिए 66 के बाद आएगा 67, साधारण वर्ष है, 68 लीप होता है, 2 दिन का अंतर, ठीक है, साधारण वर्ष में एक दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर। उसके बाद 69 एक 70 एक 71 एक और 72 पे 2, 72 पे अगर टोटल किया जाए तो आएगा 8, और 71 पे टोटल किया जाए तो आएगा 6, मतलब इसमें 7 नहीं आएगा। और जब भी 7 नहीं आए, देखो 7 पे ही कैलेंडर रिपीट हो सकता है, 7 दिन बाद दोबारा से वही बार वापस से आता है, तो यहाँ 7 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो जब भी आपके साथ ऐसा हो जाए जब 7 नहीं आए तो अगला टारगेट रहेगा 14, 7 दिन बाद 14 दिन बाद वापस से वही बार फिर से आएगा, तो कैलकुलेशन जारी रखनी है जब तक 14 नहीं आए। तो देखिए वही 73 साधारण वर्ष है, यहाँ भी एक एक लीप वर्ष है भाई, यहाँ भी एक, टोटल आ गया 14, डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, 7 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा,
तो वापस से सोमवार फिर से आ जाएगा। तो 4 मार्च 1977 को वापस से पड़ेगा सोमवार। जैसा कि हम जानते हैं कि कैलेंडर रिपीट होते हैं और रिपीट कैलेंडर के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, सन 2009 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, या एग्जाम में पूछ सकता है कि सन 2009 के कैलेंडर का दोबारा से प्रयोग कब कर सकते हैं। इसमें भी बेसिक वही काम करेगा, साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर। कैसे, देखिए 2009 के बाद आता है 2010, 1 दिन का अंतर। एक चीज याद रखना, जो सन दे रखी है उसे नहीं देखना है, जिसको आप खुद लिखोगे उसको देखना है कि साधारण वर्ष है तो 1 और लीप वर्ष है तो 2। तो यहां 2010 साधारण वर्ष है, 1, 2011 12 लीप होती है जानते हैं आप, 2013, 2014 और 2015। कैलकुलेशन कब तक लेनी है, जब तक 7 नहीं आए, 7 नहीं आए, क्योंकि 7 दिन बाद उसी डेट में वही बार फिर से आएगा और उसी डेट में वही बार फिर से आए तो कैलेंडर रिपीट होगा। तो यहां 2009 का जो कैलेंडर है वो किसके समान है भाई, 2015 के समान है। 2010 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है, बेसिक वही है, साधारण वर्ष में 1 दिन का अंतर और लीप वर्ष में 2 दिन का अंतर। 1 12 लीप है, 2 एक 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 2। अब देखिए टोटल यहां 16 पे आ रहा है 8 और 15 पे आ रहा है 1, ठीक है। 2016 में 8 आ रहा है और 2015 में आ रहा है 6, 7 नहीं आएगा और 7 नहीं आए तो कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। अगला टारगेट रहेगा 14, कैलकुलेशन जारी रखनी है वही, और 14 नहीं आए तब तक आपको कैलकुलेशन करनी है। कैसे, देखिए 2017 एक, 18, 19, 2020 लीप होती है, 21 एक, टोटल आ गया 14 डिवाइडेड बाई 7 होगा और वापस से उसी डेट में वही बार फिर से आएगा और उसी डेट में वही बार फिर से आए तो कैलेंडर रिपीट होगा। तो यहाँ सन 2010 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के समान है भाई, 2021, यानी 2010 के कैलेंडर का दोबारा से प्रयोग कब कर सकते हैं हम, 2021 में कर सकते हैं। 2012 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है, एक चीज याद रखना, साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष के समान होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के समान होगा, यानी जो भी अपना आंसर आएगा वो लीप वर्ष में आना चाहिए, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करने पर 7 आ जाए और आए साधारण वर्ष पे तो कैलेंडर रिपीट नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बता रहा हूं कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के समान होता है। तो लीप वर्ष को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां मैं बात करता हूं 2012 के बाद 2013, 14, 15 और 2016, तो यहां 1, 1, 1 और 2। अब देखिए ध्यान से सभी, एक लीप से दूसरी लीप का टोटल फिक्स है, हमेशा कितना आता है, 5 आता है। अब मुझे आंसर लीप वर्ष में चाहिए तो साधारण वर्ष में लिखूंगा नहीं, मुझे लीप में आंसर चाहिए तो लीप से लीप की कैलकुलेशन लेंगे और हर लीप में कितना आएगा टोटल, 5 आएगा। इसका ध्यान रखना है, सन 2012 के बाद अगला लीप होता है 16, 5, ठीक है, 2020 5, 2024 5, 2028 5, 2032 5, 2036 5, और वैसे भी 5 की टेबल में डिवाइडेड बाई 7। देखिए मैंने बताया था कि ऐसी संख्या जिसमें 7 का पूरी पूरी बार भाग जाए जब ही कैलेंडर रिपीट हो सकता है, और 5 की टेबल में डिवाइडेड बाई 7 होने वाला नंबर होता है 35, यानी टोटल 35 जहां आके रुकेगा जब ही 7 का भाग जा सकता है और जब ही कैलेंडर रिपीट होगा, और वो कितने पे आएगा, देखो वो आएगा सन 2040 में, क्योंकि इसमें 7 का भाग जा रहा है पूरी पूरी बार और कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2012 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के समान है, सन 2040 के समान है। एक तो ये तरीका है इसका, ठीक है, पर ऐसे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं। साधारण वर्ष का कैलेंडर फिक्स नहीं होता है पर लीप वर्ष का कैलेंडर फिक्स होता है, हर 28 साल में रिपीट होता है। आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर है हर 28 साल में रिपीट होगा, यानी लीप वर्ष का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो सीधे कितने साल जोड़ दोगे, 28 साल जोड़ दोगे, और 2028
2012 में अगर 28 साल जोड़े जाएं तो सन आएगा 2040, यानी 2012 का जो कैलेंडर है वो किसके समान है, 2040 के समान है।